जरा सोचिए, अगर आपने खरबूजा काटा और उसके हिस्से दो अलग अलग दिनों में गिरे तो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोनों देशों को एक ही दिन आज़ादी मिली थी, लेकिन हम एक दिन बाद क्यों जश्न मनाते हैं? क्या पाकिस्तान वाकई में भारत से एक दिन पहले आज़ाद हो गया था? ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही जटिल इसकी कहानी है। चलिए इस दिलचस्प किस्से में हम गहराई से जानते हैं। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। 1947 का साल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सबसे महत्वपूर्ण सालों में से एक था। ब्रिटिश हुकूमत का अंत हो रहा था और भारत पाकिस्तान की आज़ादी की घड़ी करीब आ रही थी। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को ठीक 12 बजे भारत और पाकिस्तान दोनों ही आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने अपने अपने देशों की आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया, जबकि भारत ने 15 अगस्त को मनाना शुरू किया। तो फिर 14 और 15 अगस्त का रहस्य क्या है? जिन्ना साहब, जो कि पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं, अपनी आखिरी सांस तक वे यही मानते रहे कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक ही समय पर आज़ादी मिली थी, और यही वजह है कि उसके द्वारा दिया गया स्वतंत्रता का पहला संदेश भी 15 अगस्त के नाम था। रेडियो पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को जिन्ना का वो संदेश चलाता है जिसमें वह 15 अगस्त की सुबह की मुबारकबाद दे रहा है। तो आखिर में क्यों पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस को 14 अगस्त के रूप में मनाना शुरू कर दिया? ये सवाल आज भी बहुत से लोगों के लिए पहेली बना हुआ है। जिन्ना के निधन के बाद किसी ने चुपचाप पाकिस्तान की घड़ी का समय 24 घंटे पीछे कर दिया और तब से पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान वाकई में भारत से पहले आज़ाद हुआ? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। असल में ब्रिटिश हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत दोनों देशों को 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को आज़ादी दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने यह तर्क दिया कि वे भारतीय समय से आधे घंटे पीछे है, इसलिए उसके लिए आज़ादी का दिन 14 अगस्त है। अब इस तकनीकीता के बावजूद कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह बदलाव पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद हुआ। जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया, शायद इसीलिए क्योंकि यह तारीख उन्हें भारत से अलग पहचान देने में मददगार थी। अब ये कहानी उस खरबूजे की तरह है जिसे आप एक ही दिन काटते हैं, लेकिन उसके दो टुकड़े अलग अलग दिन गिरते हैं। भारत और पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ भारत, जो कि अपनी आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को मनाता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 14 अगस्त को। पर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर दोनों देशों को एक ही समय पर आज़ादी मिली थी तो पाकिस्तान क्यों मानता है कि वह एक दिन पहले आज़ाद हुआ? इसका जवाब आज भी कई लोगों के लिए बहुत ही अनसुलझा हुआ है। शायद ये है कि यह सिर्फ एक तकनीकीता है और यह शायद उन दोनों देशों की पहचान को अलग अलग करने की कोशिश है। आज पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के 77 साल बाद वह देश जहां पहुंच चुका है, वह इस बात पर बहुत सोचने का समय है कि नई पीढ़ी जो अब देश चला रही है वह पुराने समय की पीढ़ी से ज़्यादा शिक्षित और दुनिया को बेहतर समझने वाली है, फिर भी यह देश पहले से कहीं ज़्यादा कंजर्वेटिव और असुरक्षित लगता है। सोचिए कि अगर 1947 में स्वतंत्रता दिवस के जश्न में पाकिस्तान के अखबारों में कैबरे डांस के विज्ञापन छपते थे, आज के पाकिस्तान में ऐसी आज़ादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता की परिभाषा और उसकी सीमाएं हर पीढ़ी के साथ बदलती गई है। अंत में भारत और पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, चाहे आप 14 अगस्त को मनाएं या 15 अगस्त को। यह दिन इस बात का प्रतीक है कि दोनों देशों ने अपनी अपनी आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन एक खरबूजे की तरह हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों हिस्से एक ही छुरी से काटे गए थे, सिर्फ गिरने का वक्त ही अलग अलग किया था।